नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। स्वच्छता अभियान करारा देने वाली भाजपा सरकार के लिए हरियाणा के अंबाला में मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का टेंडर खत्म होने की वजह से लोगों के घरों से कूड़े का उठान नहीं हो रहा है, जिसके कारण लोग गंदगी से परेशान हैं। प्रदेश भर में डेंगू पहले ही अपने पैर पसार रहा है। अब ऐसे में अगर लोगों के घरों से कूड़े का उठान नहीं होगा तो लोगों को बीमारियों का डर सताना लाजमी है। कूड़ा कलेक्शन का टेंडर खत्म होने की वजह से लगभग 350 परिवारों पर रोजी रोटी का भी संकट मंडराने लगा है। कूड़ा कलेक्शन के काम में लगे 350 कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं, जिनकी मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। अंबाला में सफाई व्यवस्था एक बार फिर चरमराती हुई नजर आ रही है। अंबाला के लाखों घरों और दुकानों से कूड़ा उठना बंद हो चुका है। सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की शुरुआत की थी। इसका अंबाला में टेंडर खत्म हो चुका है। इसके लिए नगर निगम ने ना ही टेंडर को दोबारा बढ़ाया और ना ही लोगों के लिए कोई दूसरी व्यवस्था की। अब आम जनता के घरों के डस्टबिन में कूड़े का ढेर लग चुका है। उधर नगर निगम अभी अधिकारियों से बैठक करके फैसला लेगी कि टेंडर किसे दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ डोर टू डोर कूड़ा उठाने वाले का रोजगार छीन चुका है। इस मामले पर ज़्यादा जानकारी देते हुए लोगों ने बताया कि पिछले 2 दिनों से कोई कर्मचारी कूड़ा उठाने नहीं आ रहा है। इसकी वजह से डस्टबिन में कूड़े का ढेर लगा हुआ है और ना ही नगर निगम की तरफ से कोई जगह बताई गई है जहाँ लोग कूड़ा फेंक सकें। घर में कूड़े के ढेर की वजह से बीमारियों का भी डर बना हुआ है। हमारा समारा एडर एंट्री प्राचंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। आप कल से कूड़े वाला नहीं आए, क्या कुछ समस्या आई आपको अभी घर में? समस्या बहुत ज्यादा है क्योंकि अब डस्टबिन पूरा भरा पड़ा है और आगे इन्होंने किसी को टेंडर दिया नहीं। अब हम कूड़ा कहाँ फेंकेंगे? इतना कूड़ा हो जाएगा, घर में बदबू आ जाएगी, बाहर फेंकेंगे सब लोग बोलेंगे। तो सरकार को चाहिए जल्दी से जल्दी किसी को भी टेंडर दे के हमारी प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व करें। कूड़े का तो हमें कल ही पता चला है कि उनका उनसे निगम से वो उनका एग्रीमेंट खत्म हो गया है। हमें तो इस बात का पहले अंदाजा नहीं था, लेकिन अब 2 दिन से कूड़ा घर ही पड़ा है। उसको हम कैसे वो करेंगे, कहाँ फेंकेंगे? कोई जगह भी नहीं है, कैसे हम एडजस्टमेंट करेंगे? ये तो सरकार को जल्दी से जल्दी इस पर एक्शन लेना चाहिए। क्या समस्या हो रही है अगर आपके 2-3 दिन से कूड़ा घर में पड़ा है? तो कूड़ा घर में रहेगा तो हम वो तो बीमारियों का हो जाएगा, बीमारियां फैलेंगी। हम कोई फेंकने की जगह नहीं है, ना निगम ने कोई स्थान दे रखा है कि इस जगह पे हम कूड़ा फेंक के आए। तो रात को हम कहा गलियों सड़कों में कूड़ा फेंकेंगे। जल्दी जल्दी एक्शन लिए, ऐसे पहले भी इन्होंने महीने महीने कूड़ा उठाते नहीं थे। हमें फिर सारे वहाँ पे जाना पड़ता था लेडीज को इकट्ठा होके। यही हालात फिर इन्होंने दोबारा से फिर शुरू कर दिया है। ये तो गलत है ना सारा। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष कुमार है जी। कौन सी कंपनी? पूजा कंसोलेशन से जी। सर क्या करते हैं? हम यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन करते हैं जी कूड़ा। सर क्या हुआ है? हमारा सर टेंडर था 30 नवम्बर तक और हमने कार्य किया है। हमें ऊपर से अप्रूवल नहीं मिली, हमने फिर भी 13 दिन ऊपर कार्य किया है। अब ऊपर से अप्रूवल नहीं मिल रही है, उसके कारण 350 कर्मचारी है जो वो भी बेरोजगार हो गया है। कहना ये चाहेंगे कि दोबारा से टेंडर किया जाए और 350 कर्मचारी जो बेचारा परेशान हो गया है उनको रोजगार मिले। क्या अभी तक किसी नगर निगम अधिकारी से आपने बातचीत करी है? नहीं, हमने लेटर दिया था मगर उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया अभी तक। ऊपर दिया था लेटर, वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया अभी तक। तो क्या कुछ करने वाले हैं आप? हम अभी तो देखते हैं जी। अभी तो हमने 13 तारीख तक कार्य किया, कल हमने कार्य बंद कर दिया था। अब सफाई व्यवस्था चरमराएगी जी शहर की, अंबाला शहर की, वो आप खुद ही देखते हो। सर डोर टू डोर का टेंडर खत्म हो चुका है, आज उन्होंने काम बिल्कुल बंद कर दिया कल से, तो अब कैसे सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से करवाई जाएगी सर? देखिए, जो टेंडर ख़त्म हुआ है नवंबर के माह में ख़त्म हुआ है, इस विषय में जो है हमने हेडक्वार्टर को इतला कर दिया है। हेडक्वार्टर से आजकल में परमिशन आ जाएगी आप एक्सटेंशन की या फिर फर्दर जो है अप्रूवल की, ताकि हम फ्रेश टेंडर कर सकें। सर फिलहाल निगम के पास कोई अल्टरनेट है जो डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन कर सके? नहीं, वो जो हमारे अभी ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं हम उनसे बात करके वे लंचोर के जो है साफ सफाई बरकरार रहे। सर उन्होंने साफ कह दिया है कि हम पिछले 10-12 दिन से काम कर रहे थे लेकिन कल से काम बिल्कुल बंद कर दिया, और जब तक या तो टेंडर एक्सटेंड हो या फिर हमें नया कुछ मिले तो काम करें। देखिए, कल ही मेरी जो है उनसे बात हुई है इस विषय में, जो है डायरेक्शन हेडक्वार्टर से आनी है, ये हमारे जिला स्तर का विषय नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हमने जो है अपने उच्च अधिकारी को इसको संज्ञान दे दिया है, इसमें आजकल में जो है कॉल हो जाएगी और अकॉर्डिंगली जो है हमारा जो एग्जिस्टिंग वेंडर है तब तक वो काम जो है जो हेडक्वार्टर से डायरेक्शन आएंगे उसके हिसाब से वो करते रहेंगे। ठीक है।
हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।